ऑनलाइन करो, आप तो सीखना ही है, दोनों ही है राइट, सेम ही सीख रहे हो आप, हाँ ठीक है पता ठीक चला है आपको? सर इतना ही। हाँ हाँ सर वही आप पूछना ऑफलाइन था जाओ या सर, ऑनलाइन पीएलसी जाओ? स्काडा वाला, पीएलसी स्काडा वाला अच्छा है ना, या इट मैंने इज वो अ किया है बेटर, ऑनलाइन, अभी यस चालू यस, ही है। या गुड। ठीक है ओके ओके सर थैंक यू। एंड और वन सर मोर आखिरी थिंग दैट आई टेल यू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर डूइंग अ इंटर्नशिप एनी कंपनी एंड इफ हैव एनी वैकेंसी फॉर द अदर इंटर्न, सो काइंडली शेयर इन आवर ग्रुप, सो सम पीपल आर लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप स्टिल टिल डेट, सो आई माइट बी दे विल गेट द बेनिफिट। ओके, जस्ट वी हैव अ हेल्पिंग हैंड्स राइट, वी हैव स्टार्टेड दिस ग्रुप फॉर हेल्पिंग, या सो माई स्क्रीन इज विजिबल? हाँ जी सर, हाँ जी विजिबल है। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि एक्जैक्टली क्या होता है रिपोर्ट में। सो बेसिकली क्या होता है, ये आपका टाइटल पेज होगा। तो पहले आप सपोज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही है आपकी कॉलेज, सो उसकी फॉर्मेट है कि यहाँ पे आपको रखना है अपना जीटीयू का लोगो राइट। सो पहले जीटीयू का लोगो रख दो, यूनिवर्सिटी का नाम रख दो। ओके, आपकी कॉलेज का नाम रखना है। ओके, देन सेटिंग यहाँ पे आपके कॉलेज का लोगो रख दीजिए। तो दो चीज कंप्लीट हो गई, आप जीटीयू में आ रहे हो, उसका लोगो डाल दिया, आपकी कॉलेज का नाम आ गया, वहां पे आपने लोगो डाल दिया। अब क्या है, जो भी है वो अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो रिपोर्ट यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे पांच ऑप्शन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन समर इंटर्नशिप, मिनी प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स आपको बता दूं कि सपोज कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है तो उसको कोई इंटर्नशिप या कोई कुछ मिल नहीं रहा, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कोई कंपनी ऐसी हो जहां पे बड़ा इक्विपमेंट हो राइट, कोई प्रोडक्ट बनाती हो, तो वहां जाके वो कंपनी के जो मैनेजर या कोई कंसर्न पर्सन है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर मुझे इस मशीन का स्पेसिफिकेशन चाहिए राइट। सो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड, अदरवाइज यू जस्ट गॉट द नेम, गेट द नेम ऑफ पर्टिकुलर इक्विपमेंट एंड यू कैन सर्च ऑन द गूगल। हेलो, नाउ इट इज सर प्लीज रिपीट, या सर ओके, थोड़ा रिपीट कर दो ना सर, रिपीट कर या दो। सो नाउ इट इज ओके। यस सर, हाँ, तो उसमें क्या है, कोई मैकेनिकल का बच्चा है, वो अभी ढूंढ रहा है, वहां पे बहुत दिक्कत आ रही है मैकेनिकल के बच्चों से, सर हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही, क्या करें हम? सो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करो जो छोटी मोटी कोई प्रोडक्ट बनाता हो यूजिंग कोई मशीनरी है उसके पास, तो आप उस कंसर्न पर्सन को मिलिए और वहां जाके उसको पूछिए कि मुझे इस मशीन की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, मीन्स ये कैसे काम करता है, उसमें क्या फंक्शनालिटी है एंड हाउ टू ऑपरेट इट राइट। तो आप अगर वो थोड़ा बहुत समझाते हैं तो उस मशीन का नाम लेके आइए, देन यू कैन जस्ट सर्च ऑन द गूगल, सो यू विल गेट द ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर मशीन। ओके, तो उसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही, प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, तो स्पेसिफिकेशन वाला है, तो वो इजिली काम कर जाएगा आपका। देन सेकंड थिंग, लास्ट थिंग इज अ सेमिनार। सेमिनार का मतलब है, कोई बोल रहे थे कि हम सेमिनार अटेंड करें, नो इट इज अ रॉन्ग थिंग कि आपको अटेंड नहीं करना है, आपको एज अ एक्सपर्ट सेमिनार में प्रेजेंटेशन देना है। ओके, तो प्रेजेंटेशन देते हो, सपोज के कोई एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट है वो एक वर्कशॉप अरेंज कर रही है या सेमिनार अरेंज कर रही है, तो ड्यूरिंग द सेमिनार आपकी स्पीच होनी चाहिए उसमें राइट, और उसमें से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जब भी आप कोई एज ए एक्सपर्ट आप वहां पे स्पीच देते हो, सो कंसर्न अथॉरिटी विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ योर स्पीच राइट, एज अ कीनोट स्पीच स्पीकर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ समर इंटर्नशिप, तो उसका हो जाएगा इंटर्नशिप, आपको टाइटल दे देना है कि आपके किस टाइटल में राइट, देन ये तो अंडर सब्जेक्ट ऑफ आपका समर इंटर्नशिप है, उसका सब्जेक्ट कोड है, देन सेमिस्टर आपका 7, एंड यहाँ पे आपको ब्रांच नेम मेंशन करनी है आपकी, देन सबमिटेड बाय नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हिज एनरोलमेंट नंबर। ओके, देन उसमें एक
था जो भी कि जो आपका सिलेबस था उसमें मेंशन किया था क्लियरली कि आपको हर एक स्टूडेंट को कॉलेज में से इंडिविजुअल गाइड एलोकेट करना है, तो वो गाइड का नाम आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पे गाइड का नाम डाल देना है, देन आपको यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम डाल देना है, राइट? देन दिस इज द योर एकेडमिक ईयर 2021 and 22. ओके, नाउ स्टिल एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर, मतलब ये कवर पेज हो जाएगा ना? या ये टाइटल पेज है आपका? ओके 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 सर. या देन ये सर्टिफिकेट है. आप सपोज इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपके पास दो सर्टिफिकेट आएंगे. ओके अगर आप मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें भी एक ऑप्शन है कि एक्सटर्नल गाइड होना चाहिए. एक्सटर्नल कोई भी आप ले लो. सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप किसी कॉलेज में हो तो आपके कोई पहचान वाला है दूसरी कॉलेज में, सो यू जस्ट कंसिडर एज अ एक्सटर्नल गाइड. और आप वहां पे शो कर सकते हो कि जो पर्सन है वो मेरा एक्सटर्नल गाइड. यहाँ पे जो नाम आता है यहाँ पे फैकल्टी गाइड, एक्सटर्नल गाइड एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसा तीन आ जाएगा. आई विल जस्ट अपडेट इट. ओके क्लियर. सो ये सिंपल सर्टिफिकेट है. आपको मेंशन करना है क्या है आपका जो भी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है. देन आपको टाइटल डालना है यहाँ, देन योर स्टूडेंट नेम एंड एनरोलमेंट नंबर. ओके एंड हियर इज योर ब्रांच नेम. जस्ट बोल्ड सो यू कैन अंडरस्टैंड. सर ये सर्टिफिकेट है तो ये तो कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे ना, इंडस्ट्री का तो अलग आएगा सर. प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको बनाना है. ओके, जस्ट खाली मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल वाइवा के लिए. या ये कॉमन एक सर्टिफिकेट रहता है, अगर आप एक्सटर्नल में जाते हो या नहीं जाते हो व्हाटएवर, राइट? लेकिन उसमें क्या है, ये सर्टिफिकेट इसीलिए मैंने गाइड नेम ऑप्शन में रखा है कि आप मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने किया है कोई कम वाले को, सो यू जस्ट मेंशन हिज नेम हियर. ओके एंड टेक हिज साइन. ओके सर, मतलब इंडस्ट्री का भी आएगा तो उसको नीचे यहाँ पे लगा देने का. ओके हाँ, जो सपोज कि इंटर्नशिप वाला देता है तो आपको ये बना देना है और उसके नीचे एक दूसरा कंपनी का अटैच कर देना है आपको, फोटो लेके स्कैन करके. ओके सर, नो प्रॉब्लम. ओके सर, एक बार फिर से समझाओ, पता नहीं चला सर. सर उसका मतलब दो सर्टिफिकेट आएंगे ना टोटल? हाँ हाँ, दो सर्टिफिकेट रखना है क्योंकि आपको कॉलेज में से भी पता चलना चाहिए आपने फैकल्टी गाइड के आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लेना है आपको, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी. हाँ हाँ, ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे दोनों में आएगा ना? हाँ दोनों में, जो भी हो, व्हाटएवर यू हैव परफॉर्म एनी टास्क आउट ऑफ 5. सर इसमें तो ऑनलाइन का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, समर इंटर्नशिप मिनी प्रोजेक्ट लिखा है यहाँ पे, मैंने मेंशन नहीं किया लिखा है वो जो स्टार्टिंग में वो ही है ना समर इंटर्नशिप, उसमें हम ऑनलाइन लिख सकते हैं ना? ओके ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके तो यहाँ पे सिंपल आपको लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं, मैंने कंप्लीट करके दिया है. यू हैव टू जस्ट चेंज योर एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके अगर पॉसिबल है सो यू जस्ट मेंशन हियर योर कॉलेज नेम. तो क्या होगा कॉलेज का सर्टिफिकेट? और आवाज कट रही है. सर आपकी वॉइस कट हो रही है. हेलो, नाउ इट इज कंप्लीट. हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है. हाँ सर, अब आ रही है आवाज, आ रही है. इट इज द फॉर्मैलिटी ऑफ दिस रिपोर्ट कि हर एक प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में आपको रहना पड़ता है कि एक्नोलेजमेंट कि आपने सेटिस्फाई वर्क किया है कि अंडर गाइडेंस ऑफ फैकल्टी गाइड नेम एचओडी एज वेल एज द एक्सटर्नल गाइड. तो यहाँ पे भी मैंने एक लिखना है कि ऑब्लिक ये जस्ट वन सेकंड.
एंड यूनिवर्सिटी एंड आपने जो किया है वो यहाँ पे मेंशन कर, ओके, और योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एनरोलमेंट नंबर, ओके, दिस द फॉर्मेलिटी पेज। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा था कि एक्सटर्नल गाइड नेम में हमको कैसे पता चलेगा कि वो सर का वो नाम है। एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नल आएंगे गाइड मीन्स ना हमारे। आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट वेट, आप कहीं पे कंपनी में हाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, राइट, वो आपका एक्सटर्नल गाइड, क्योंकि जो भी करोगे, जो भी सीखोगे, किसके अंडर में सीखोगे, आपका मेंटर या ट्यूटर या कोई एक्सपर्ट होगा उसके अंडर में, ओके। मतलब जिसके इंडस्ट्री में कर रहे हैं वो जो होगा उसमें ना। हाँ सर, एक भाई, टाइप कंपनी का ओनर, ओनर नहीं के, ओनर जस्ट भी हो लाइक सकता है, सब मैनेजर भी आपका मेंटर हो सकता यस सर, एचआर, ये लाइक दैट। है। तो फैकल्टी सर गाइड मैं में सर जो क्लास सी सी एचआर वो वही लिखूंगा ना। हेलो। हाँ सर, तो जो हाँ एक्सटर्नल गाइड होगा जो मैंने आपको बोला ना पीएलसी कार्ड वाला ऑनलाइन जो उनका हेड होगा उसका नाम मैं रख सकता हूँ ना, हाँ उनका हाँ नाम बस लिख बस सकता बस हूँ, वही रखना है, वही रखना वही है। रखना और है ना। ऐसा भी करना कि उसको टिल वेट कर हाँ देना, अगर आप जब भी सर्टिफिकेट आप आएगा ना तो उसमें वो साइन हाँ करके देगा, तो उसमें लिखा होगा जो भी होता है वो अथॉरिटी, उसका नाम दीजिएगा। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ ओके, सो अब क्वेश्चन आता है हमारा कि ये कर लिया टाइटल पे सर आवाज कट सर्टिफिकेट। रही है। सर आवाज तुम्हारा बहुत ब्रेक साइज है, वन कॉन्स्टेंट। सेकंड आई विल इंप्रूव इट, वन सेकंड जस्ट वेट। हेलो सर, नो आवाज आ रही? सर कनेक्शन करवा के आओ सर। ओके भाई, हेलो। हेलो सर। हेलो हाँ एम कहू छू, हेलो। आज रिपोर्ट ने पीडीएफ मोकली छे सर, शेयर कर से खरा पछी छिल्ले। हाँ, करवाना छे, भूपेंद्र पे कीधु है ने। हाँ हाँ, એટલે જે હમણાં હાલમાં જે આ રિપોર્ટ સમજાવ્યો હાં ને એને પીડીએફ હાં મોકલશે ને એ જ સર, કદાચ ટેલિગ્રામમાં અથવા યુટ્યુબ ટેલિગ્રામમાં? ચેનલની લિંક, હા, એમાં કદાચ શેર કરી દેશે સર, અથવા હાં, થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ શાયદ, સર। હા, કંઈ વાંધો નહીં। હાં। નો સર, ઓડિબલ નથી,
हेलो अबे आवाज भाई आवाज आई है। क्यों ने क्लियर हाँ सर आवाज है। हाँ सर आवे छे आवाज वॉइस ओके वॉइस क्लियर क्लियर सर्टिफिकेट्स एंड मिनरल्स सो वेन एवर यू आर राइट द एनी कंटेंट यू हैव टू जस्ट मेंटेन द कंटेंट नॉट दिस इज द इंडेक्स ओके दिस इज नॉट इंडेक्स ओके सर। इंडेक्स कहाँ पे आता है इंडेक्स को कोई वर्ड फाइंड पेज नंबर तो इंडेक्स बोलते हैं दिस इज द कंटेंट ओके आवाज कपाई है जो भी हेलो सर। हेलो अजू आवाज कपाई है सर तमारो। जस्ट आवाज कपाई है वेट सर। वन सेकंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन हेलो हाँ सर हमें आवाज है। ओके सो आप जब भी राइट करें कोई भी लिखा है अपने कंटेंट में सो टिल लिस्ट ऑफ टेबल तक आपको जो भी पेज नंबर रखते हो वो रोमन में रखना है राइट सो ये कंटेंट है वो मेरा फोन नंबर से स्टार्ट होगा अगर तीन हो गए तो वहां पे मुझे रखना है देन जो हमारा है लिस्ट ऑफ फिगर तो आपको इस कंटेंट के नीचे डाल देना है देन लिस्ट ऑफ टेबल ओके सो आफ्टर द लिस्ट ऑफ फिगर नाउ क्लियर सो लिस्ट ऑफ टेबल एज वेल एज फिगर में क्या है जो भी आप टेबल या फिगर इंक्लूड करते हो आपके रिपोर्ट में सो आपको वहां पे टाइटल देके जो फिगर का नाम है वो शो करके आपको उसका पेज नंबर दे देना है दैट्स इट ओके सर ये टेबल सर हेलो फिर से समझाओ ना फिर से फिर से समझाओ। और समझाओ सर ये सर टेबल में क्या यूज होगा सर। लिस्ट ऑफ टेबल क्या है। वन सेकंड आई विल एक्सप्लेन दिस इज द माई लिस्ट ऑफ फिगर ओके टेबल आई जस्ट यूज द टेबल वन सेकंड दिस द टेबल यू हैव टू मेंशन सीरियल नंबर नेम ऑफ फिगर एंड पेज नंबर ओके तो यहां पे सपोज आप पेज चैप्टर नंबर वन में आते हो और फिगर नंबर आपकी पहली फिगर है तो यू हैव टू जस्ट मेंशन 1.1 फिगर नेम सपोज के मॉडल एंड पेज नंबर कौन सा है तो मेरा दूसरे पेज पे है ओके सेम थिंग आप थर्ड चैप्टर में गए और सेकंड चैप्टर में नहीं आपकी फिगर देन यू हैव टू जस्ट मेंशन 3.3 और एक्स वाई जेड फिगर नेम एंड पेज नंबर लाइक एज अ 9 सो ऐसे आपको मेंशन करना है लिस्ट ऑफ फिगर सेम थिंग जितने भी लिस्ट ऑफ फिगर हो उतने हाँ पढ़ने बस के जितने भी फिगर आती है आपके रिपोर्ट में वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है ओके जी ओके। सेम थिंग टेबल सेम थिंग फॉर द टेबल इफ सपोज यू हैव अ टेबल ओके सो ये आपके टेबल नेम हो जाते हैं नीचे अलग से पेज में और यहाँ पे आपका टेबल का जो है पेज नंबर डाल देना है दैट्स इट मतलब टेबल में चैप्टर का नेम या वो आएगा। हाँ नहीं उसमें सिंपल कर सकते हो आप कि सपोज वहां पे टेबल आते हैं एक चैप्टर है उसमें अलग अलग फिगर भी आती है टेबल भी आते हैं तो यू हैव जस्ट क्लेरिफाई दैट 1.1 मींस वो फिगर के ले लो लेकिन 1.1.1 डाल के वहां पे आप टेबल भी डाल सकते हो सपोज के दूसरा टेबल आता है तो आपको यहाँ पे ऐसा करना है 1.1.2 तो ये टेबल का सिंपलीफिकेशन हो गया है आइडेंटिफिकेशन मीन्स टेबल अगर सेपरेशन आता ही ना हो तो पूरे वो नहीं उसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं आपको हाँ तो वही खाली लिस्ट ऑफ फिगर चलेगा ना सर एक्टिव का लिस्ट। चलेगा 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 अगर ओके फिगर जी भी नहीं है तो ओके आपको फिगर का भी ऐड करना जरूरी नहीं है ओके जी ओके इफ ओके ओके जी यू हैव इंक्लूड इन योर रिपोर्ट देन यू हैव टू मेंशन इट हियर ओके सो दिस इज द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या आता है जो भी आप बना रहे हो जो भी बनाया है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको डालना है
तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ योर समर इंटर्नशिप, मिनी प्रोजेक्ट नेम, स्पेसिफिकेशन और सेमिनार, वॉट एवर यू हैव डिड, तो आपको यहाँ पे उसका एक ओवरव्यू डाल देना है. ओके अगर ऑफलाइन किया हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफलाइन समर इंटर्नशिप ऐसा ही लिखना. ऑफलाइन ऐसा नहीं है, उन्होंने दो मोड दिया हुआ है इंटर्नशिप का. समझो आप कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तो आपकी इंटर्नशिप ही राइट. तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी आप बना रहे हो या सीख रहे हो उसका सिर्फ ओवरव्यू डालना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिखने का है. इंट्रोडक्शन ही लिखना है आप जो कर किया है आपने और या कर रहे हो. मिस रिपोर्ट तो कंप्लीशन होने के बाद आता है, मिस जो भी आपने किया वहां पे तो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे डालना है. ओके ओके सर. देन उसका एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो आप कर रहे हो तो उससे क्या बेनिफिट होता है वो आपको यहाँ पे डालना है, एम एंड ऑब्जेक्टिव. आप यहाँ पे 4-5 सेंटेंस में लिख के खत्म भी कर सकते हो इसमें, इट इज नॉट मैंडेटरी राइट, बट इफ यू आर राइट देन इट लुक्स लाइक गुड. ओके, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट डालनी है यहाँ पे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. मैं सपोज आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि सपोज कंप्यूटर में एक आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, सो फॉर एग्जीक्यूट दैट सॉफ्टवेयर वी नीड i3 प्रोसेसर, 4GB रैम, 200GB हार्ड ड्राइव, और जो सपोज आप गेम के साइड हो तो आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए. सो दैट इज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. ओके, कि उसके रिलेटेड आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए तो उसके जो भी आता है उसको हम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बोलते हैं. मतलब हमने इंडस्ट्री में जिस पे भी काम किया वो कि कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे वो आएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, वही ना. हाँ हाँ, बस बस बस. देन उस शायद ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में हमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं, वो नहीं है. लेकिन उसमें क्या है कि उसमें प्रोजेक्ट आप नहीं बना रहे हो, लेकिन उसमें क्या है कि सपोज आप जो भी सीख रहे हो, अगर सपोज कोई आज मैं स्पेसिफिक क्या है कि हमने एक जनरल ओवर रिपोर्ट का फॉर्मेट लिया है राइट, अगर सपोज मैकेनिकल में तो वो प्रोजेक्ट नहीं बनाता और सीख के आया कुछ हाउ टू ऑपरेट दी मशीन राइट, लेकिन कोई कंप्यूटर आईटी है, ईसी है तो उन्होंने कोई थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बनाया है तो उसकी रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी राइट. अगर सपोज कोई मैकेनिकल के अभी बच्चा है तो उसने कुछ छोटी प्रोडक्ट बनाई तो उसके लिए उसको चाहिए सपोज के स्टील चाहिए, फिर लेथ मशीन चाहिए, ऐसी चीज हो सकती है राइट. ओके सर. हेलो, मतलब मशीन के नाम लिखने के प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में कौन से मशीन. हाँ बस, आप जो भी बना रहे हो उसके रिलेटेड आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. अच्छा ओके, थैंक यू राइट. ओके, मतलब उसमें फोटोज भी, मुझे कुछ परचेस करना है तो मुझे पैसे चाहिए राइट, दैट इज अ मनी रिक्वायरमेंट. ओके, मतलब सर फोटो लगा के रिक्वायरमेंट लिखा सकते हैं, दैट्स लाइक. हाँ बस बस. देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कि आपको टूल्स क्या है उसकी टेक्नोलॉजीज क्या यूज करें. सपोज के यहाँ पे मैंने टूल्स टेक्नोलॉजी इसलिए इंक्लूड किया है कि सपोज आप कोई इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है और वो कोई मैटलैब में प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसका टूल्स क्या आता है, मैटलैब टूल आता है. कोई कंप्यूटर वाला है वो जावा यूज कर रहा है तो इक्लिप्स आता है राइट, और कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा है तो वो एंड्रॉयड आता है. सो दैट इज द टूल. ओके, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि सपोज कंप्यूटर में है वो बना रहा है तो उसको डेटाबेस चाहिए, कोई सर्वर चाहिए और कोई लैंग्वेजेस भी उसको चाहिए जो डेटा को रिप्रेजेंट करे इन फ्रंट ऑफ द यूजर राइट. सो दैट इज द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. ओके, मैकेनिकल के लिए यूज उसमें तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना. या टूल्स का स्पेसिफिकेशन आप डाल सकते हो ना, कि सपोज आपने कोई लेथ मशीन लिया, आपको कुछ वहां पे बनाना है या पॉलिश करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक टूल है राइट. अगर सपोज आपको कोई पॉलिश करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स आते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, कि सपोज आपको हमर चाहिए तो हमर भी लिख सकते हो आप राइट. वो मैंडेटरी तो नहीं है ना सर. मैंडेटरी नहीं है, आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसके कंसर्न हो उतना ही पोर्शन यहाँ से आपको उठाना है बस, बाकी का लीव कर दो वहां से. ओके, देन सिस्टम एनालिसिस. सिस्टम एनालिसिस क्या है कि सपोज आप कहीं पे भी जाते हो तो उससे पहले आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की, उससे पहले आपने कुछ सर्च तो किया होगा राइट, तो वो आपको वहां पे लिखना है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और प्रपोज सिस्टम क्या है.
कि सपोज कोई बंदा ऐसा है कि सपोज आप यूज कर रहे हो कि गेयर बॉक्स, अभी जो गेयर बॉक्स चल रहा है वो कंप्लीट है, ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हो, लेकिन वो कंपनी में जा रहा है वहां पे कोई न्यू टेक्नोलॉजी से वो सिस्टम बना रहा है गेयर बॉक्स की, तो वो प्रपोज करने वाला है, तो ये सिस्टम आने वाली है, तो वो यहाँ पे प्रपोज सिस्टम में डालना है, ओके, जो ऑलरेडी है वो डालना है यहाँ पे, और जो कुछ नया बनने वाला है वो प्रपोज सिस्टम में डालना है। दिस इज द सिंपल टू रिक्वायरमेंट सिस्टम एनालिसिस, क्योंकि आपको पूछेंगे एक्सटर्नल कि आपने क्यों ये इंटर्नशिप की या ये प्रोजेक्ट क्यों किया, तो उससे के लिए ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने सिस्टम एनालिस्ट दिखा है, शायद मैंने एक पंप पंप वाली कंपनी ने पंप वाली कंपनी जे छे एमा में इंटर्नशिप करी छे, तो एमा एक मशीन में जोयू छे, तो ये मशीन नो ओवरव्यू सेकंड चैप्टर में आपी सको? हाँ आप ही सको। ओके देन थर्ड पोर्शन इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या होता है कि सपोज मैकेनिकल है तो उसमें आप वन स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर सकते हो कि क्या है फंक्शनल वाइज, मीन्स उसकी फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेगी। ओके, इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे बनाओगे, तो फंक्शनल वाइज आ सकता है, नॉन फंक्शनल भी आ सकता है। नॉन फंक्शनल सिर्फ आईटी वालों के लिए आएगा, क्योंकि मैकेनिकल में ये ऐसा ही चीज है कि सपोज आप कुछ भी बनाते हो तो उसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते, पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए ही वो सिस्टम डेवलप होती है। लेकिन आईटी में क्या है मैं बता देता हूँ, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, जो कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट है, फंक्शनल में क्या है, जो भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है या दूसरी कोई वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मींस दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, इम्प्लीमेंटेशन। देन नॉन फंक्शनल, यू हैव जस्ट पोस्टेड सम कंटेंट टेक्स्ट ओनली ऑन द पेजेस, सो दैट इज द नॉन फंक्शनल। अगर आपने कोई डिजाइन किया है 5 पेज को वेबसाइट में, तो वो क्या है, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो आपको एडमिन की साइड बताना है फंक्शनल, कि सपोज लॉग इन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ओके, तो दैट इंक्लूड इन द फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन। एंड नॉन फंक्शनल मीन्स सपोज आपने कुछ न्यूज स्क्रोलिंग रख दिया है, कोई पोस्ट का रखा है, कि कोई टैक्स इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको नॉन फंक्शनल में रखना है। ओके, देन फोर्थ चैप्टर इज द आउटकम्स। आउटकम्स मीन्स रिजल्ट, तो उसमें आपको कंक्लूजन देना है एंड फ्यूचर एनहांसमेंट, जो आपने किया उसके बेस पे आपको कंक्लूजन देना है कि आई टेंड टू बिलीव दैट व्हाट एवर आई हैव डिड इन ड्यूरिंग द 2 वीक्स ऑफ समर इंटर्नशिप, नाउ वी हैव गेन दिस सम नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड वी बिलीव दैट इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू द इन फ्यूचर। ओके, तो उसमें फ्यूचर एनहांसमेंट ऐड कर दो आप, कि सपोज कोई वेबसाइट बनाई है तो हमने इतनी इतनी चीजें डाली है, तो वो कंक्लूजन में डाल दो, लेकिन फ्यूचर एनहांसमेंट, जो ये चीज डाली है लेकिन उसमें ये चीज ज्यादा ऐड करेंगे तो वो भी हमें बेटर आउटपुट देगा इन फ्यूचर। ओके, सो दैट इज द फ्यूचर एनहांसमेंट। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स आपने कहीं से कुछ सर्च किया है वेबसाइट पे से, तो वो वेबसाइट का नाम यहाँ पे इंक्लूड करो, इंक्लूड ओनली वेबसाइट और बुक नेम। सर, इसकी जगह रेफरेंस लग सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन इंटर्नशिप नो की है नो नो इंडस्ट्री नो में? रेफरेंस मीन्स यू हैव टू इंक्लूड द रिसर्च पेपर। ओके, ओके सर, मतलब हमें कोई एड्रेस या कोई मेंशन करना हो तो ये इसमें नहीं नहीं फिफ्थ नंबर? हाँ बस वही कर सकते हो कि सपोज आपने कहीं से कुछ सीखा है ये बनाने के लिए, तो वो क्या है कि आप दो ऑप्शन है, कि सपोज आपने सीखा है कोई कंपनी में इंटर्नशिप ली, वो तो आपने सर्टिफिकेट रख दिया राइट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम द बुक्स एज वेल एज द वेबसाइट और यानी जर्नल और मैगजीन। ओके, सो यू हैव टू इंक्लूड इन द बिब्लियोग्राफी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस, सो रेफरेंस में क्या होता है, रिसर्च पेपर आपको वहां पे मेंशन करने होते हैं, और जो रिसर्च पेपर आपने मेंशन किया उसमें से क्या सीखा वो उसका साइटेशन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देना पड़ता है ऊपर। ओके, सर, ये जो बिब्लियोग्राफी जो आपने बोला उसमें खाली लिंक या कुछ हाँ बस रख बस सकते हैं? लिंक, आप वही वेबसाइट लिंक है और बुक नेम है, देन ओके ओके सर अगर मुझे तो अलग अलग वो कटिंग प्रोसेस, रीडिंग प्रोसेस और सीएनसी मशीन प्रोसेस समझानी हो तो कौन से सेक्शन में समझाने ये की, फंक्शनल में? इम्प्लीमेंटेशन में, फंक्शनल में आपका कौन ओके सा फंक्शनल है, ऐसे पहले ही मैंने बोला कि सपोज अपार्ट फ्रॉम दी कंप्यूटर आईटी और ईसी, दे हैव ऑल थिंग्स कम्स इन द फंक्शनल रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन। फोटो के साथ चलेगा ना उसमें हाँ एक में? चलेगा हाँ चलेगा, या यू कैन ओके मेक सम इमेज लाइक एज अ प्रोसेस राइट,
कि ये काम हो रहा है ऐसा। हेलो सर। यस हाँ सर, जो आपने 1.1 में इंट्रोडक्शन में समझाया तो हम उसमें कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है वो रख सकते हैं उसमें, जो कंपनी होते हैं ना जो ऑनलाइन ऐसे रख सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे रखना है आपको। जस्ट आपको पहले क्या करना है कि सपोज आपने जो भी आप सीख रहे हो उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वहां पे डाल दीजिए। ओके, देन उसके नीचे दीज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द दीज काइंड ऑफ द ट्रेनिंग और दे आर डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट, सो वी आर विलिंगली टू और वी हैड ट्रेनिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा करके कुछ डाल सकते हो आप। सर ये सर ये आपके वर्ड्स में मिल सकता है क्योंकि मे बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, गूगल में बहुत सारा मिल सकता है, पर आपके लैंग्वेज में मिल जाए तो अच्छा है। कौन सी बात कर रहे हो आप? इंट्रोडक्शन में जो एक बंदे ने बोला ना वो। हाँ तो उसमें हम लिख सकते हैं लाइक दिस, जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। ऐसा लिख सकते हो माई प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन दी कटिंग डाउन द ट्री विदाउट एनी एक्सीडेंट्स। ओके, सपोज के कोई कंपनी है कोई ऐसा टूल बना रही है कि जो आप ट्री कटिंग डाउन कर रहे हो राइट, तो उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, मींस कोई किसी को कुछ वहां पे क्या होता है कि सपोज कोई काटता है तो उसको कुछ लग जाता है वहां पे, तो उसके फील फ्री वो कटिंग डाउन करे। अभी मशीन आ रहा है राइट, आपको पता होगा ऑटोमेटिक पेट्रोल मशीन, वो डायरेक्टली कट डाउन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप वहां पे इंट्रोडक्शन कर दे कि इट्स इट इज टेकिंग पेट्रोल एज अ फ्यूअल एंड यूजिंग दिस टूल वी कैन सेव लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज लेबर कॉस्ट। ओके, ये सिंपल आ गया। ओके, ये सिंपल मैंने दो लाइन में लिख दिया मेरा इंट्रोडक्शन। आपकी जो भी होगा वो आप वहां से उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो तीन चार लाइन में। ओके, देन अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो कि कोई एक्स वाई जेड कंपनी है तो उसमें लिख सकते हो एक्स वाई जेड कंपनी मेकिंग दिस काइंड ऑफ द equipment which are really useful in everyday life. Also, they are making tools for agriculture. ओके, ऐसा कुछ लिख सकते हो कि वो अलग अलग इक्विपमेंट्स बना रहे हैं और वो एवरीडे आपकी जो लाइफ है वो जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कुछ कंपनी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो। अगर सर कंपनी का नहीं देना हो, नॉर्मल देना हो तो क्या लिख तो भी चलेगा, ये आपको निकाल दो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जो भी टूल्स है वो कैसे काम करता है वो यहाँ तीन चार लाइन में लिख दो। ओके, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, सपोज के मशीन बना है मैंने राइट, तो मशीन में पेट्रोल यूज होता है, वो टूल्स है तो हम उसका टाइम सेव कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, फॉर ऑपरेटिंग दिस मशीन इट्स रिक्वायर्ड ओनली 1 पर्सन, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके सर, ये जो आपने जो कंटेंट्स में जो दिखाया है इंट्रोडक्शन और सब है तो सर आपके वर्ड्स में सब मिल सकता है हमको? ये मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि उसमें क्या होता है मैं कुछ लिख के दूंगा लेकिन फिर आप कुछ खुद कंफ्यूज हो जाओगे
क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम द कंप्यूटर ब्रांच, सो आई एम जस्ट वॉट एवर आई एम थिंकिंग दैट गोज टू द कंप्यूटर साइड. ओके ओके सो नो प्रॉब्लम. सो दैट इज इफ यू हैव स्टक एट एनी लेवल यू जस्ट शेयर इन द आवर टेलीग्राम ग्रुप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके सर, ये कंटेंट बनाने के बाद डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से चालू कर देने का नीचे फर्स्ट एडिट. यस 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 यस. ओके सर, कितने आपको बता देता हूं मैं, जस्ट वेट, आई लेट मी फिनिश. ये सपोज मैंने जो मेरा पास टाइम है और आपके पास भी टाइम है, उसी लिए मैंने एक सिंपल ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया जो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट, कि जो लास्ट ईयर में 7 सेम में प्रोजेक्ट आता था उसमें बेस पे से मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है. अभी जीटीयू देगा नहीं देगा, वॉट एवर गॉड नोज, आई डोंट नो. लेकिन अगर आपने ये थोड़ा बहुत अपडेट भी कर दिया, तो अगर सपोज कुछ आता है अपडेट, तो आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट. ओके ओके सर, यू विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम. अगर आप सपोज को हर रोज, चलो मैं बोलता हूँ कि रोज आप नहीं बैठते हैं, तो लेकिन दो दिन में एक आधा घंटा आप बैठ के उसका थोड़ा बहुत आप राइट अप करते हो, तो एंड ऑफ योर इंटर्नशिप यू विल गेट योर रिपोर्ट इन योर हैंड. आपको यहाँ से वहां किसी को पूछना ही पड़ेगा रिपोर्ट में क्या करना है. आपको जस्ट वेट करना है कि चलो कोई अपनी कॉलेज, आपकी हर एक कॉलेज है, हर एक कॉलेज अलग अलग रिपोर्ट के फॉर्मेट देता है, राइट. लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट सीट को भी रिपोर्ट आता है, आपकी फॉर्मेट आती है, यू हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कि उसमें पॉसिबिलिटी क्या, ऊपर नीचे हो सकता है, दूसरा कुछ तो नहीं हो सकता है. ओके, सो यू हैव जस्ट, यू विल सेव योर टाइम. एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, दैट आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब बाय टुमारो. सो वॉट एवर यू हैव प्रॉब्लम यू जस्ट राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, सो आई विल लिस्ट इट डाउन एंड I will arrange the another session based on that. Okay. Sir, ये format अभी मिल सकता है हमको? Just wait. You just share your email address in chat box. So I will just copy it and send it to you. On your email address. Word file में भेजना sir. Yeah, yeah. I will share definitely. WhatsApp number से तमारो. List of tables में क्या दिया? List of tables and list of figures. I think you were late, right? Siddiq? Yeah, okay. उसमें क्या है, जो भी आपका रिपोर्ट आता है, राइट, रिपोर्ट में आप कहीं पे भी आप इंक्लूड कर रहे हो कोई इमेज एज वेल एज की कोई टेबल, तो यू हैव टू मेंशन इन द लिस्ट ऑफ फिगर एज और लिस्ट ऑफ टेबल. जस्ट लोकेशन, जैसे हम बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, राइट, तो सेम थिंग कि सपोज आपने 1.1 वहां पे कुछ रखा है, तो वहां पे आपको डालना है. ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेल आईडी से अच्छा टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ बना के आप भेज सकते हो? हाँ नहीं, ओके, my motive is that you have spent your time for learning something, right? Yes sir, you are absolutely right. Wahi karna sir. Yeah. ये इसमें mail में सही है. Yeah. और सर जो रिपोर्ट है उसकी 3 copy हमको रखनी है, एक हमारे पास, एक department. About that much right now. Just wait for your college response. Okay sir. Right. Because every college have their own way or rules. Sir, एक मिनट, एक स्लाइड ऊपर करो ना सर. Just one second. वो इंडर सर्टिफिकेट वाला सर. Just wait. Okay. I'm just copy paste your email address. Okay. And one more thing. आपने वो वीडियो भी देखा हो 100 points वाला, हाउ मच यू हैव गेन्ड टिल डेट? 65 79 39 I was thinking that some student have under the 50, right, and you have just 1 year remaining, so how you will cover it around 60 points? So based on that, I have decided that I am
फ्रॉम लास्ट टू डेज आई एम कॉन्ट्रेक्टेड टू डिफरेंट कंपनीज इफ दे आर प्रोवाइड द सम वर्कशॉप और सेमिनार सो यू विल इजिली गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट अटेंडिंग द वन आवर और टू आवर सेशन राइट सो यू कैन इजिली क्लेम द 10 और 20 पॉइंट्स ये है कि जो भी बच्चे है अभी बहुत सारे घूम रहे हैं इधर उधर पता है मुझे आई एम ऑल्सो प्रोफेसर राइट सो उसमें क्या है मेरा मोटिव वही है मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था कि मैं कुछ आपको दू कि आपको कम से कम तकलीफ हो और आप इजीली कुछ भी आपको चाहिए तो इजीली आपको मिल जाए राइट यस सर या सो उसमें क्या है कि जो भी है अगर सपोज मैं आज कोई कंपनी का आपने देखा होगा मैंने वहां पे शेयर भी किया था एक इंटर्नशिप राइट यस सर टेक्नो गुरु जी यस या टेक्नो गाइड तो वो क्या था उस बंदे ने लास्ट टू इयर्स मेरे जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे उनको फ्री में भी ट्रेनिंग दी थी उसने राइट उस टाइम उसका प्राइस वाज अराउंड 15,000 पर स्टूडेंट लेकिन वो स्टूडेंट जो थे 15 स्टूडेंट उसके पास नॉलेज थी तो वो नॉलेज को एक्सेप्ट करता है और उसने फ्री में 15 बच्चों को फ्री में प्रोजेक्ट करवाया था तो उसके लिए क्या है कि समटाइम्स वी हैव टू स्पेंड समथिंग राइट कि मेरा तो उसमें कुछ रोल है ही नहीं आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द एनी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ओके So, मेरा वही भी टारगेट है कि मैं सेशन भी ऐसे अरेंज कर सकता हूँ कि आपको जो भी बच्चे हैं तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन एवरी मेरे जो यूट्यूब चैनल के वीडियो में भी कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो मेरी कम्युनिटी आप कम्युनिटी बढ़ा दो आपकी मैं आपको जो चाहिए वो मैं अरेंज करके दूंगा आई हैव अ रिसोर्सेस राइट यस आई हैव अ मैनी कॉन्टेक्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड बट क्या है उसमें मुझे कुछ बच्चे चाहिए अगर सपोज आप आईसी के हो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड आप यू हैव टू लर्न समथिंग बट मेरे पास जो ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स है दोज आर वर्किंग इन द मैनेजर लेवल इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मैनेजमेंट मैकेनिकल सिविल एंड एवरी फील्ड बट क्या है कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं होता है तो दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट टाइम राइट दे आर वर्किंग एज अ टॉप लेवल पोजिशन सर वो सर्टिफिकेट वाला पेज करो ना एक मिनट हाँ वन सेकेंड सर आप पीडीएफ मेल पे भेज दीजिएगा हाँ सर याद करके सर्टिफिकेट आ गया हेलो हाँ सर इसमें फैकल्टी गाइड में सर जो हमारे क्लास के सीसी हो गए उसका ही लिखने का ना फैकल्टी सीसी नहीं जो आपका सिलेबस है ना सिलेबस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को एक फैकल्टी गाइड एलोकेट करना है आपको कॉलेज को ऐसा बोला गया हुआ एक इसीलिए आपको कॉलेज में से एलोकेट होगा कि अगर आप नहीं किया है तो आपका क्लास कोऑर्डिनेटर है उनको पूछ लेना कि हु इज अवर फैकल्टी इंटरनल फैकल्टी गाइड फॉर द इंटर्नशिप और मिनी प्रोजेक्ट अच्छा और सर एक्सटर्नल गाइड में तो सर जो कंपनी में हमने इंटर्नशिप की उसका ओनर का लिख दे तो चलेगा ना चलेगा चलेगा ओके सर थैंक लेकिन ये कराओगे तो उसके बाद आपको साइन लेने जाना पड़ेगा हाँ आप मत कर देना क्या मतलब साइन मतलब सिग्नेचर करवानी है सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो सिग्नेचर तो आएगी तीनों की वेरिफिकेशन होता है ये सर्टिफिकेशन में क्या है कब साइन करते हैं ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे ये सारी चीजें वो वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे साइन होती है वो तो चलेगा सर ओनर तो घर का ही है वो तो साइन हो जाएगा वो तो हो जाएगा वही तो बोल रहा हूँ वो तो आप भी कर दोगे वो तो घर की इंडस्ट्री है मतलब घर की इंडस्ट्री है सर पापा ही अपने नहीं नहीं I know that I'm working in this field from last 10 years. So I know each and everything what you are doing. Right? Papa, yes, sir. Okay. Okay. Yeah, one student is asking me in a group. He is not finding internship till date. I think, Siddiq? Yes, sir. You are looking for internship, right? No, sir. I also joined the internship offline. Okay. One of student, but he is not present today. So, उसके लिए solution है जो मैं best solution बता देता हूँ. Anybody have from mechanical department? Yes, sir. Mechanical department.
या जीआईडी, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास इंटर्नशिप के लिए कुछ है नहीं तो कोई भी एक कंपनी वाले को पकड़ लो वहां पे, कि जो कोई छोटी मोटी बहुत इंस्ट्रूमेंट रखता हो और कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट बनाता हो, वहां जाके जस्ट एनालिसिस करके आओ, उसका नाम पूछ के आओ और उसको बोल देना कि मैं विजिट करने आया हूँ तो आपको एक मुझे सर्टिफिकेट दे दो प्लीज, ऐसा करके, तो वो दे देंगे और उसका स्पेसिफिकेशन का एक रिपोर्ट बना दो, राइट? इट्स अ वन डे जॉब। मेरी तो खुद की इंडस्ट्री है, मेरा माम मेरे वहां से 5 लोग हैं। जनरल आदित्य, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल। और समवन इज द, इफ समवन हैज नो कांटेक्ट और नो नियर बाय इज इन हिज फैमिली डोंट नो व्हाट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो उस टाइप के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। हेलो सर। यस हाँ सर, मैं तो ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरे में एक्सटर्नल गाइड की साइन कैसे आएगी? ऑनलाइन कर रहे हो ना तो हाँ, वो उसका कोई जरूरत नहीं, उसका जो सर्टिफिकेट आता है ना वहाँ जब सिर्फ नाम दे देना और जो वो सर्टिफिकेट सेंड करेगा आपको तो वो सर्टिफिकेट रख देना वहाँ पे, सिर्फ साइन ही करना है, नाम नहीं लिखना है। तो सर उसमें उसमें चलेगा चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। ओके ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके एनीबॉडी हैव एनी डाउट? इसमें सर सिर्फ साइन ही करवानी है सर, नाम नहीं लिखना है कहीं पे, तीनों में नाम लिखना पड़ेगा ना, फैकल्टी गाइड का नाम है यहाँ पे, एक्सटर्नल गाइड का नाम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम है, मतलब ऊपर जो नाम लिखा उसके नीचे नाम ही लिखने का और नीचे सही करवा देने की, बस वही ना सर? हाँ ऊपर नाम लिख दो, ऊपर नाम लिख दो एक्स वाई जेड, वो फैकल्टी गाइड है, ऊपर जो भी है ये एक्सटर्नल गाइड है, यहाँ पे देखो वन सेकंड सर, फैकल्टी की साइन कैसे आएगी? फैकल्टी कॉलेज में जाके करेगा ना, मतलब वहां पे कोई एक फैकल्टी आपको दी होगी ये समर इंटर्नशिप के लिए? हाँ वही दी होगी, जैसे डिजाइन इंजीनियरिंग में देते थे, डिजाइन इंजीनियरिंग में ग्रुप में देते थे, यहाँ पे इंडिविजुअल देंगे, इंडिविजुअल देंगे। हाँ यस हमारे कॉलेज में सर जिस दिन खत्म हो रहा है उसी दिन जाने का ना, 15 जून को यार हमारा खत्म हो रहा है इंटर्नशिप, उसी डेट जो जाना पड़ेगा ना रिपोर्ट लेकर हार्ड कॉपी साइन करवा। हां हां यस यस क्या विथ कॉलेज, जस्ट शेयर योर कॉलेज नेम। सिल्वर ओक। ओके आदित्य। यस सर। विच कॉलेज यू आर स्टडिंग? गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ GIT. Yes, yes. Mechanical engineering. I know each and every college. Yes, sir. Yeah. Okay. So, we will end up this session. Yes, sir. Yeah. Sir, ये report mail में send कर देना। हाँ, या mail पे send कर देता हूँ। अगर आपको कुछ doubt हो या अगर कुछ feedback देना हो, I'm generally most of people are accepting positive feedback, but I'm always accepting negative feedback. नहीं नहीं सर, positive मिलेगा सर। No. I'm just accepting negative feedback because मुझे पता चले कि मुझे क्या improve करना है, right? Okay sir. Proper, yes sir. वो भाई. Okay. सब कुछ समझा। Proper. Yes sir. Thank you for the COVID-19 situation sir. आप बहुत अच्छा कर रहे हो सर। ओके जो मैं कल आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको फ्रेंड को भी शेयर करना हो तो कर देना, ये मैं रिपोर्ट आपको शेयर कर रहा हूं, तो आपको जो शेयर करना है वहां पे कर देना। ओके और मैं पॉसिबल होगा तो मैं गूगल ड्राइव में डाल के वहां पे लिंक पे डाल दूंगा जो डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे, सो एवरीवन कैन वीडियो, हां वीडियो या टेलीग्राम में आप डाल सकते हो सर। यस यस सर, एवरीवेयर आई विल शेयर इट। हां यस, क्योंकि सबको मिल जाए, शायद अभी इंटर्नशिप में हो, शायद यहां गोइंग ना हो पाए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप कौन सी कॉलेज से? हेलो हां कौन सी कॉलेज? भौतिक पोरिया, आई एम फ्रॉम डीजीएमआईटी आनंद। यस सर। ओके ओके या भौतिक, हाय सर, हाउ आर यू? फाइन सर। यस, हाउ वाज द सेशन? सेशन इज गुड सर। ओके, ही इज माय स्टूडेंट। Yes, yes, sir. अच्छा, okay. Yes, see you soon. Bye-bye. Bye, sir. भेज देना सर रिपोर्ट। Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you. Goodbye. Take care. Yeah, same here. Thank you, sir.